that the parable of the sower. तो आज हम बात करें बीज बोने वाले का दृष्टांत. So now that Jesus is telling to the disciple. तो यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं. Jesus went to the Galilee. यीशु मसीह गलीले जाते हैं. And he was sitting in the ocean, nearby the ocean. और समुद्र के पास बैठे हुए हैं. The Bible says in the beaches of that time, Jesus was sitting in the sea of the Galilee. जो यीशु मसीह है वो गलीली के समुद्र के पास बैठे थे. In beaches of that time, verse 1. So when he was sitting there, and वो बैठे थे, and the people were coming, लोग आए, so many crowded, बहुत सारी भीड़ आई, and now Jesus speaking the parable. अब यीशु मसीह कहानी सुनाते हैं. And Jesus said, और यीशु ने कहा, there is a man, एक आदमी था, he went to the field, वो खेत में गया, and he threw the seed. और उसे बीज फेंकना था, उसने बीज फेंकना चालू किया. And then when he throw like this, जब उसने बीज फेंकना चालू किया और चलते गया, some seed fall into the stone. जो कुछ बीज थे ना वो तो पत्थर पे जाके गिर गए. And when you throw like this, see some seed. How many people go to farming? कितने लोगों ने आज तक कोई खेत में गया है? आप लोग खेत गए हैं गांव में? खेत देखा है? खेत हाँ. अब so you know how to plant the seed. आपको पता है वो लोग बीज कैसे डालते हैं? मे बी गाँव जाते हैं तो ना बहुत खेती को बहुत पसंद है और जाते हैं. सो माई पेरेंट यूज टू प्लान ए सीड. तो पास्टर के पापा भी खेती करते हैं और बीज डालते हैं. मैं मालूम है कैसे खेती करना है. चावल दाना है ना, व्हाट इज दैट, देयर इज अ वन इंस्ट्रूमेंट यू नीड टू डिग आउट एंड राइज आउट देयर. सो सम टाइम व्हेन यू डू लाइक दैट चावल ना राइज, सो व्हेन यू डू लाइक दैट चावल गिरते हैं. So now this man went to the field and he was throwing the seed. तो ये आदमी जा रहा था और बीज ऐसे फेंक रहा था. So when he sit like that, then some seed are flying to the stone, some seed are flying to the thorn. तो क्या हुआ कि जो कुछ बीज थे ना, कुछ तो पथरीली रास्ते में गिर गए, कुछ पत्थरों के ऊपर गिर गए. And some are flying to the thorn. You know, thorn means काटे काटे. Yeah. And some seed are falling to the good soil. और कुछ जो तीसरी तरह के बीज थे वो लगे मिट्टी में गिर गए. So, आप इसे चावल ऐसे डाल रहा था खेती में तो लाइक यू नो द विंड टुक अवे टू द स्टोन, द विंड टुक अवे टू द थॉर्न, द विंड टुक अवे टू द गुड सोइल. तो कुछ बीज डालते गए और हवा की वजह से सब अलग अलग जगह पे जाके गिर गए. सो नाउ जीसस इज टेलिंग टू द स्टोरी टू द पीपल. अब यीशु मसीह कहानी सब लोगों को सुना रहे हैं. एंड ही वाज टेलिंग टू द पैरेबल, और ये दृष्टांत के रूप में सुना रहे हैं. सो इन द फर्स्ट थिंग ही वाज टॉक अबाउट दैट यू नो द सीड फ्लाई टू द व्हाट इज दैट इन अ फेल टू द रोड साइड. तो वो बता रहे जो पहली तरह के बीज थे वो मतलब रोड के साइडों पे गिर गए. एंड अनदर व्हेन ही थ्रो लाइक दिस सम फेल इनटू द रोड साइड. तो कुछ रोड के साइड पे गिर गए. एंड सम सीड व्हेन ही थ्रो लाइक दिस एंड फेल टू द स्टोन. कुछ लोग कुछ पर जो बीज थे वो पत्थर पे गिर गए. एंड अनदर थर्ड वन फॉल इनटू द थॉर्न. और तीसरी तरह के थे जो वो कांटों पे गिर गए. एंड फोर्थ वन फॉल इनटू द गुड सोइल. और जो चौथी तरह के थे वो अच्छी वाली मिट्टी पे गिर गए. Then when Jesus was telling like that, जब यीशु ने कहानी सुनानी शुरू करी, disciple doesn't know anything. चेले कह रहे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा क्या बोल रहे हैं. What is Jesus is talking about the parable? अरे क्या कहानी सुना रहे हैं आज? हम कभी-कभी मम्मी पापा लोग कुछ बात कर देना हम समझा रहे हैं. मम्मीयों का अर्थ क्या है? उनका मीनिंग क्या है? हम समझा रहे हैं ऐसा होता है. जैसे कभी-कभी घर में कोई कहानी बता दे कुछ बात कर दे, क्या बात कर रहे हो समझ नहीं आ रहा, दोबारा समझाओ. Then हम लोग का मम्मी पापा थे हमें बात बताएंगे. चलो ठीक है बैठो बता. So they used to sometimes they used to provoke and they used to teach us. तो कई बार हमारे माता पिता या हमारे टीचर का अलग तरीके से कहानी सुनाते हैं और बाद में उसका अर्थ समझाते हैं. That is why in the Matthew chapter 13 verse 3 this disciple well doesn't know what Jesus is talking about. तो ऐसे ही जब मत्ती में परमेश्वर मत्ती 13 में कहानी सुनाई तो चेलों को समझ नहीं आया कि उन्हें बताना क्या चाहते हैं. Then they come to Jesus. फिर वो यीशु मसीह के पास आए. प्रभु आप what is the story there? अरे आपने जो कहानी बताई उसका मतलब तो बता दो. What is the seed fall into the roadside? The seed fall into the thorn, seed fall into the rock, seed fall into the good soil. What is that meaning? उन्होंने कहा क्या है जो आप कहते हो बीज जो है पत्थर पे गिरे, कुछ बीज कांटों पे गिरे, कुछ बीज अच्छी मिट्टी पे गिरे, क्या मतलब है इसका? Then Jesus said, okay, come, I'll tell you. यीशु कहते हैं बैठो अब मैं समझाता हूँ. And then they were listening. और उन लोगों ने सुनना शुरू किया. See the man who threw the rice. तो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने समझाया कि जो इंसान बीज फेंक रहा है, that is God. वो परमेश्वर. That is Jesus Christ. मतलब यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे कि मैं बीज फेंक रहा हूँ. And then the seed is the word of God. और जो बीज है मतलब कि वो परमेश्वर का वचन जो हम पढ़ते हैं वो वचन बीज है.
So now the man is throwing, that man is God. मतलब वो कह रहे हैं कि पर मतलब एक इंसान बीज फेंक रहा है, मतलब परमेश्वर वचन डाल रहा है सबके जीवन में. So the word of God is the seed is the word of God. मतलब वचन बीज के रूप में गिर रहा है लोगों के जीवन. So when he are giving to people, जब वो लोगों के पास वचन जा रहा है, now the God is explaining. अब परमेश्वर क्या समझा रहे हैं? In the verse chapter 13 verse what is the 18? 13 के 18 में. So now Jesus was explaining them. यीशु मुझे समझा रहे. The seed when Jesus was throwing. जब बीज बोने वाला बीज फेंक रहा था. And that seed fall into the rock side. और वो जाके जो बीज थे वो रोड के साइड पे गिर गए. See हम सवाल कोई भी और रास्ता में डालते हैं तो कौन आते हैं? Barn, you know, the barn come and eat that seed. आप ये देखिए कि अगर हम कोई चीजें रोड के साइड पे किनारों पे गिर देते हैं तो क्या होता है? पक्षी आते हैं और आके उसे चुग लेते हैं, उठा लेते हैं. मेरे घर में स्विस में ना देयर इज अ डॉग यूज टू कम. वैसे कहते सुबह सुबह उनके घर पे एक चिड़िया टाइप का डॉग, यू नो डॉग, दफीना कबूतर. हाँ कबूतर आते हैं. तो कबूतर आके ना मेरा क्या मेरा बाथरूम साइड में बैठाता है. वो बहुत दोनों लड़ाई करता है. तो मैं ना कभी कभी मॉर्निंग मॉर्निंग क्या चावल दूसरा का टेरेस में फेंकते हैं तो सारे कबूतर आके खाते हैं. So now this man was what is that? This God was sending a word of God, sending to the God was throwing the word of God. ऐसे ही परमेश्वर अपना वचन फेंक रहे हैं. Then the word of God fall into the road side. कुछ वचन जो है मार्ग के रोड के किनारे पे गिर गए. That is the meaning what Jesus is talking about. तो इसका क्या मतलब है? See now when Jesus is speaking to you all. जैसे परमेश्वर अगर सबसे बात कर रहा है. That now when we are just like when you receive the word of God. जैसे आपने वचन को ले लिया. Then Satan अजनक से आके Satan took away the word of God. और आपने बस वचन खाया लेकिन साथ साथ में शैतान आकर वो वचन को ले गया. So the bird talk about Satan. जो यहाँ पक्षी है, पक्षी मतलब शैतान. So when God you know throw the word of God and the word of God fall into the rod and the bird come and snap away. तो जैसे लिखा है कि जब परमेश्वर ने बीज फेंके और रोड के किनारे पे गिर गए तो लोगों के वहां पर वो फलने की जगह फटाफट से बर्ड्स आए, पक्षी आए और खा लिया. मतलब लोगों के जीवन में जाने तक ही फटाफट शैतान ने उसको उठा लिया. So now the word of God, the people cannot enter. इसका मतलब वो लोगों के दिल में नहीं गया लेकिन बार-बार से शैतान ले गया. As soon as the word of God come, जैसे ही वचन हमारे पास पहुंचा, then Satan took away from your heart. शैतान साथ साथ ही बाहर ले गया. पढ़ना, verse 18. आगे पढ़ते हैं 18. बाबी पढ़ना 18 जोर से. 13 का 18. हाँ. Zali. अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो. जो 18-19 जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है. यह वही है जो मार्ग में गिरे मार्ग के किनारे बोया गया था. आमीन. तो और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है पर अपने में जड़ नहीं रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है और जब वह वचन के कारण अक्लेश उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है. आमीन. सो नाउ द जीसस वाज एक्सप्लेनिंग टू द डिसिपल. अब यीशु वचन चेलों को समझा रहे हैं. द वर्ड ऑफ गॉड वाज थ्रोइंग टू द रॉक साइड द बर्ड कम एंड स्नैप अवे द वर्ड ऑफ गॉड. जैसे परमेश्वर ने वचन को फेंका और कुछ वचन जो है कुछ बीज जो है वो द बर्ड इज द सैटन. तो रोड के साइड से पक्षी ने उठा लिया. मतलब पक्षी मतलब शैतान. So now you are receiving the word of God. अब आपने वचन लिया. Then Satan will come and snatch away the word of God. और शैतान आके उस वचन को आपसे ले जाएगा. कैसे? How Satan will snatch away? कैसे वो आपसे छीन लेगा वचन? Satan will say this you know this word is nothing. शैतान बोलेगा अरे ये वचन तो कुछ नहीं है. Just मत जाओ. Church में जाओ. And don't read Bible. बाइबल मत पढ़ो. Don't pray. प्रार्थना भी मत करो. And what the pastor saying is wrong. जो पास्टर कहते रहे वो तो गलती है. This is the written by human being. ये तो इंसान ने लिखी है किताब परमेश्वर ने. And this is not the word of God. ये परमेश्वर का वचन तो है ही नहीं. So Satan will speak to the human heart. शैतान इंसान के हृदय से ऐसे बात करे. So that they cannot able to believe God. ताकि वो परमेश्वर को मान ही ना पाए. They cannot able to receive the word of God. परमेश्वर के वचन को पा ही ना पाए. When God speak or when God use the man or woman of God come and preach to you, Satan will come and snatch that word away. जब कोई
परमेश्वर का जन्मा के आपसे परमेश्वर के वचन की बात करेगा शैतान आके चुरा लेगा. Somebody preach to you. कोई आपको प्रचार दे रहा है. And you read Bible. आप बाइबल पढ़ रहे हैं. Then Satan will come. शैतान आएगा. No, no, don't read. अरे मत पढ़ो, तो बेकार. Sometimes you want to read Bible. कई बार आप बाइबल पढ़ना चाहो. Satan will come and snatch away. शैतान आके उस इच्छा को ही ले जाएगा. How? कैसे? Sometimes Satan will come and bring you sleeping. कई बार हमें बहुत नींद आ जाएगी बाइबल पढ़ते हुए. Not to read Bible. क्या बाइबल ही ना पढ़ पाए? They know that when you read Bible. क्योंकि उन्हें पता है कि जब वचन का बीज अंदर जाए, you become powerful. तो काम तो करेगा. You become mighty. हमें शक्ति आ जाए. So he, as soon as you read. इसलिए जब वचन पढ़ते हैं, he will come as soon as you read. He will come and snatch. तो आने से पहले इसको ले जाएगा. Now you started to reading. अब आपने पढ़ना शुरू किया. When you read the word of God. जब वचन पढ़ोगे, your life will be changed. आपका जीवन बदल जाएगा. Your life will be transformed. आपका जीवन बदल जाएगा. So Satan know. शैतान को पता है. Satan know that when you read Bible. शैतान को पता है जब बाइबल पढ़ोगे, you cannot stay. आप ऐसे ऐसे नहीं रहोगे. Demons cannot stay. शैतान आपके अंदर रह नहीं पाएगा. Sickness cannot stay. बीमारियां रह नहीं पाएगी. Problem cannot stay in your life. मुश्किलें और परेशानी रह नहीं पाएंगी. So there is a Satan will tell you, you know, like a bird will come and snatch away, don't read, do some work. तो शैतान क्या करेगा कि आएगा और बोलेगा कि नहीं नहीं ये बाइबल मत पढ़ो, कुछ और काम कर लो. So immediately you will come. तो अचानक से शैतान आया. आप बाइबल पढ़ के और सुनने का तो इमीडिएटली शैतान आया तो बता रहा था ना उसको, डोंट रीड बाइबल, डोंट लिसन, डू सम वर्क, स्लीप और गो समवेयर. तो जैसे बाइबल पढ़ने की या वचन सुनने की कोशिश करोगे, शैतान मन में इच्छा लगा कि नहीं नहीं बाइबल बंद कर दे, सो जा, कहीं और चला जा, कुछ और काम कर ले. So that is the things that you see when the roadside the sheep fell down is that you know the bird come and snatch away. It means that when you want to receive the word of God and when you are God is throwing to you, somebody preaching to you, you come to just receiving, then some you know suddenly Satan come and snatch away. तो इसका क्या मतलब है? जो पहले बीज बोने वाला बीज फेंक रहा था और पत्थर वो रोड के किनारे पे गिरे, मतलब वचन अंदर ही नहीं गया, बाहर बाहर से ही शैतान पक्षी उसको उठा के ले गए. And then also the same thing in the you know Luke chapter 8 verse 11. Luke chapter 8 verse 11. I will not read here. I will read right here. Those who are beside the road are the people who have heard it. The devil come and take the message of God away from their heart, so that they will not believe in me and the Messiah. You will say. इसका मतलब कि वो लोग जो वचन को लेते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसके बाद बाहर बाहर से शैतान ले जाता है, वो लोग विश्वास नहीं कर पाते. Luke chapter 8 verse 11. लुका 8 का 11. So now the word of God, the road sign, that the seed that fell on the ground is that the person who received the word of God now suddenly the Satan will come and take away from their heart and not to believe Jesus Christ. इसका मतलब उन लोगों ने वचन को लिया, लेकिन लेते ही शैतान ने उनको विश्वास ही नहीं करने दिया और वचन को ले गया. And they cannot believe that Jesus is God. वो नहीं मान पाए कि यीशु मसीह परमेश्वर है. They will say, Satan will say, no, he too God, so many deity and so many God, they are God, you. Jesus is not the Messiah. तो शैतान अंदर से बोलेगा, अरे यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, देवी देवता इतने 33 करोड़ है, उनमें से कोई देवी देवता है. And then they will say, Jesus, so I know God. यीशु मसीह, हाँ उनमें से कोई है, परमेश्वर को भी हो सकता है. But they will not allow you to believe. लेकिन वो पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाएंगे. They will not allow you to say. वो आप सुरक्षित नहीं रह पाएंगे. So now that is the things that the person who the God was throwing the word of God and the person who fell in the roadside is the person who are not accepted Jesus Christ as the personal savior and who are not believe that Jesus is God. तो इसका मतलब कि वो लोग जिन पर वचन गया तो लेकिन वो वचन यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर पाए, ये मतलब वही कि बीज गया और मार के किनारे गिर गया. Somebody preach to them but अचानक से hear करते हैं और निकलते हैं. कि मतलब किसी ने वचन सुना, किसी ने उनको सुनाया, लेकिन वचन आते ही चला गया. They saw, they receive God miracle, they receive God healing, they receive God's power, but they cannot able to enter and just go away. तो उन्होंने परमेश्वर के वचन को देखा, सुना, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाया. That is why the people say that Jesus also kind of God and Hindu God also God. They all are one. That is the people that fell on the wrong side. तो जैसे कई लोग ऐसा कहते हैं कि यीशु मसीह भी परमेश्वर है और भी बाकी परमेश्वर है, तो ये सारे ही परमेश्वर हैं. So the message that they are receiving that suddenly go away, that is the wrong side of falling. इसका मतलब कि जो वचन आया और साथ साथ ही शैतान ले गया, इसका मतलब वो बीज मार के किनारे गिरे हैं. Amen. Amen. Then another word. तो दूसरी चीज. Second one. तो आगे देखिए. In the John, Matthew chapter 13. मत्ती के 13 के 20 वचन में लिखा है. So now another Matthew chapter 13 and now the another one say the sower was sending the seed and fell on the rock.
तो अब हम बात कर रहे हैं कि वो बीज जो पथरीली भूमि पे गिरे and fell in the stone, मतलब पत्थर पे गिर गए कुछ बीज. So that is what kind of people. अब वो किस तरह के लोग होते हैं? The Bible talk about. बाइबल बताती है. So these are the people that who are see sometime stone. You know when you go to village jungle. So there is a stone, some mud are there and some tree used to grow. आप ये देखिए अगर आप गांव में जाएंगे तो बड़े-बड़े पत्थरों पे हल्की-हल्की मिट्टी होती है, उस हल्की-हल्की मिट्टी में छोटे-छोटे पौधे निकले हुए होते हैं. But there is a stone. लेकिन नीचे तो पत्थर है नीचे. Or sometimes terrace में. या अपनी छत पे जाओ. And some I saw in Delhi so many terrace there is a some tree used to grow. आप देखिए हमारे घर की छतों के ऊपर भी छोटे-छोटे पौधे उग जाते हैं, लेकिन नीचे तो पत्थर ही है. You are not planting but growing. ये नहीं जो आपने पौधे लगाए, लेकिन जो अपने आप ही छोटे-छोटे साइडों पे उग जाते हैं. होम की यू नो कुछ खा के और घर में आया टेरेस में आया पोटी का दिखा तो उसका बाद में ना सीड ग्रो होते हैं. सो एंड देन आल्सो दे विल ग्रो फॉर अ फ्यू मोमेंट. और वो उगते भी ना बहुत थोड़े टाइम के लिए उगते हैं. दे विल नॉट ग्रो फॉरएवर. हमेशा वो छोटे-छोटे पौधे उगे नहीं रहते. सो व्हेन द सन हिट कम, क्योंकि जब धूप आती है बहुत जोर की, व्हेन द रेन कम, या बहुत जोर की बारिश आती है, इन दैट स्टोन द मिट्टी इज देयर इट ग्रो अवे. क्योंकि मिट्टी इतनी पतली होती है कि पानी से बारिश के पानी से वो सारी बह जाती है. एंड बिकॉज दे आर नॉट इन दैट यू नो इन दैट स्टोन दे कैन नॉट स्टे एंड देयर इज नो रूटेड. और पत्थर में क्या होता है उनकी जड़ें मजबूत नहीं हो पाती है, इसलिए हल्की हल्की जड़ें होती है जो पानी से ही उड़ जाती है. एंड इन द टेरेस और इन योर हाउस दैट ग्रोइंग दैट ट्री यू आर नॉट प्लांटेड दे कैन नॉट रूटेड बिकॉज़ दे आर यू नो ग्रोइंग इन द सीमेंट. आप ये देखिए कि जो कि छतों पर पौधे अपने आप उगते हैं, उनकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं होती कि मिट्टी ज्यादा नहीं होती, वो इसलिए ज्यादा मजबूत भी नहीं होते. सो नाउ जीसस इज टॉकिंग इन अस दिस आई मीन मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 5 यू रीडिंग इट टू दी वर्स 5 13 5 जो कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिलने पर गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वह जल्दी जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर वह जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए. So what is the meaning Jesus is explaining? तो क्या यीशु मसीह बता रहे? Then 13 का 20-21 पढ़ा. अब 13 का 20 और 21 पढ़ते हैं. प्रभु ने एक्सप्लेन कर दिया. और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह है, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है. और जब वचन के कारण कलेश क्या उपद्रव लड़ाई झगड़ा या तुरंत वह तुरंत ठोकर खाता है. आमेन. So now Jesus say, God is explaining to the disciple. तो यहाँ पर यीशु मसीह चेले को क्या सिखा रहे हैं? See the one who sits sower in the you know in the rocky ground who hear the word of God but at the welcoming it joyfully, temporary and they cannot root it. When the pressure come, persecution come, trial come, immediately they will fall away. तो यहाँ पे बताएं कि जो बीज जो है पत्थर पे गिरते हैं, पथरीली भूमि पे गिरते हैं, थोड़ी-थोड़ी मिट्टी के कारण वो बीज निकलता जाता है. मतलब ऐसे लोग जो वचन को सुनते हैं, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, चमत्कार होते हैं, यीशु मसीह प्रभु है, और जैसी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, कोई डांटता है, कोई गुस्सा थप्पड़ पड़ता है, चर्च में जाना ठीक है अब से नहीं जाएंगे, कहीं बैठ जाते हैं. So there is Jesus was explaining, you know, two kind of people. तो यहाँ पर यीशु मसीह दो तरह के लोगों के बारे में बता रहे हैं. So now Jesus saying that the person who sit in the falling into the stone is the person accepting, oh यीशु मसीह महान है, यीशु मसीह अच्छा है, यीशु मसीह ने मेरे को संगाई कर दिया, तो परेशान आया, बीमारी आया, तो यीशु मसीह कौन है, मेरे को बीमारी को ठीक नहीं होगा, और persecution आता है society ने पर, you know, your family member, your husband, your wife, they will persecute you. Then you are fall away from God. मतलब वो लोग भी परमेश्वर के बारे में जानते हैं तो बहुत आनंदित होते हैं, उनको अपना लेते हैं, बहुत उनको अच्छा लगता है, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन धीरे 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 क्या होता है जब उनकी सोसाइटी समाज के लोग या परिवार के लोग उन्हें बुरा बोलते हैं या परमेश्वर के मानने के बाद कोई बीमारी आ जाती है तब वो लोग कहते हैं अरे ये कैसा परमेश्वर है, मेरी बीमारी तो ठीक करता नहीं, ये कैसा परमेश्वर है, मेरी मम्मी तो मुझे गुस्सा करती है, तो वो लोग परमेश्वर में हट जाते हैं. So this is the kind of people that who fall into the stone. तो ये वो लोग हैं मतलब कि जो कि ऐसे बीज जो पत्थर पे गिरे हैं. So when the seed fall into the stone, few moment one week two week they will grow and after few they die. मतलब पत्थर के ऊपर हल्की मिट्टी के कारण वो पौधा उगता है, एक दो हफ्ते चलता है और फिर खत्म हो जाता है. ऐसे ही वो लोग because they cannot root it. क्योंकि उनकी जड़ें ही नहीं होती हैं. So this is the people
We are the people. तो वो कौन से लोग से हम जैसे लोग when the persecution comes, जब कोई हमें सताता when the difficulties come, जब मुश्किलें आती हैं when the life is not going well, जब हमारे जीवन में सब कुछ बढ़िया नहीं होता पर कुछ खराब भी होता then we go back to the old lifestyle, तब चलो छोड़ो यीशु मसीह को वापस चलो. So this is the people who fall into the stone. तो इसका मतलब ये वो भी जो पथरीली भूमि पे गिरे हैं. So what kind of Christian you are? You are in that position or you are in the rock side falling wala? तो हमें देखने की क्या हम इन दो कैटेगरी में से किसी पर हैं कि जो बीज जो पथरीली भूमि पे गिरे हैं. So now God is saying that you know the people are stone in the falling, they will revive him. Hallelujah, praise the Lord. और कल परेशान आते हैं, कल कुछ आते हैं. यीशु को है, यीशु का मतलब नहीं है, यीशु हम लोग का प्रार्थना नहीं सुनता, यीशु मेरे को संगाई नहीं देता, तो वो लाइफ से यीशु से दूर जाते हैं. इससे वाला लोग है, there is a, they are the sheep falling to the stone. And then now the third people. अब तीसरी टाइप के लोग की बात करते हैं. And the third people is the one that Jesus was sowing the seed and falling into the thorn. अब वो कह रहे तीसरे टाइप के लोग मतलब जब यीशु मसीह ने बीज फेंका तो कहां कांटों में जाके गिर गया. Okay, let us read here. In the Matthew 13, verse 7. हाँ पढ़ तेरह का सात क्या लिखा हुआ है? कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला. And then now you read in 13:22. अच्छा 22 इसका explanation हम 22 में पढ़ते हैं. जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता. Amen. So now the three kind of people. अभी जब हम तीन तरह के लोगों के बारे में पढ़ चुके हैं. They receive the word of God. मतलब वचन तो ले लिया. The but they cannot grow. पर बढ़ नहीं पाते. That you know just like a thorn. You see that a seed come to the thorn. The thorn is very like this and they will stop it. अब अभी देखो झाड़ियाँ कितनी ज़्यादा होती हैं. अगर उसमें कोई बीज गिर गया तो बीज उगने की कोशिश तो करेगा लेकिन झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि उसको दबा देती और बढ़ने नहीं देती. See, some tree are very strong. आखिरी कुछ पेड़ बहुत ताकतवर होते हैं. When do you three together? अगर आप दो पेड़ को साथ में रखते हो, some tree will grow. कुछ पेड़ तो बहुत बढ़ जाते हैं. And that shadow, that tree cannot grow. और कुछ जो साथ का पेड़ होता है, वो बढ़ नहीं पाता. Because of the shadow. क्योंकि उसने इतना ज़्यादा एरिया ले रखा होता है. And the sun shine everything, the another big tree will. तो एक बड़ा पेड़ इतने ज़्यादा सूरज की रोशनी लेता है, लेकिन उसकी छाया की वजह से दूसरा पेड़ another down tree will become slowly yellow, you know, करके मरते. और उसके पास जो छोटे-छोटे पौधे होते हैं, वो धूप नहीं मिलती है और वो पीले होते-होते मर जाते हैं. And the ground also, the big tree were growing, will eating all the good soil. और आपने देखा जो बड़ा पेड़ होता है, वो भी जो मिट्टी के अंदर पोषण तत्व होता है, सारा का सारा खा जाता है. So the same thing God is telling here, the other seed among the thorn is the thorn that you know come up, and then other tree will stop it. This is the what Jesus is telling that the people who receive the word of God but they cannot grow. इसका मतलब कि वो लोग जो परमेश्वर का वचन खाते हैं, बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बढ़ नहीं पाते. And Satan is the one who saw it. और वो झाड़ियाँ मतलब वो शैतान जो को बढ़ने नहीं देता. And they cannot go to moving forward. वो आगे नहीं बढ़ पाते. And they will slowly their will Christian life will die. और धीरे-धीरे उनको जगह नहीं मिलती तो धीरे-धीरे वो खत्म हो जाते. Slowly they will read stop Bible. धीरे-धीरे बाइबल पढ़ने छोड़ देते हैं. Slowly they will stop coming to church. धीरे-धीरे वो चर्च आना छोड़ देते हैं. Slowly they will stop prayer. धीरे-धीरे वो प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं. This is the people who are seed fall into the thorn. ये वो लोग हैं जिनके जो बीज जो है वो झाड़ियों में गिरे. And now they were running after the world. और अब वो कहते हैं नहीं अब दुनिया के जैसे हो जाते हैं. Now they started worried. अब वो चिंताएं हो जाती हैं. And son. अब क्या करना है? They are looking for the things of the world. वो दुनिया की चीजों में उनको आनंद आने लग जाता है. And now they cannot able to grow because the Satan is sowing and now they are trying to link the things of this world. और क्योंकि शैतान उन्हें बढ़ने नहीं देता तो जितने हैं वो उतने ही रहते हैं और दुनियादारी की चीजों में enjoy करने लगते हैं. That is why the Bible says ना Matthew 13:22 का answer है seven का. तो Bible बताता है seed was sowing among the thorn. It is the one who hear the word of God but worry, distraction of the world and the deceitfulness and then also superlative pleasure, delight, riches, stop the word of God, yet no fruit. See now, they cannot able to bear fruit. इसका मतलब वो लोग जो अपने जीवन में फल नहीं ला पाते.
and the devil come and sock and slowly they will go away from God. और शैतान आके उन पे काम करता है और धीरे-धीरे वो खत्म हो जाते हैं. Because they are full of worry tension. क्योंकि जिन्हें बहुत चिंताएं होती हैं. And they looking for pleasure. और वो सोचते हैं हमें आनंद हमारे मजे आने चाहिए. And they are distracted by the things of the world. और दुनियादारी की चीजों को बहुत अट्रैक्ट करने लग जाती है. And they are deceived by people. और लोग उन्हें धोखा भी देते हैं. They are not faith in God. वो परमेश्वर विश्वास नहीं रखते. They are faith in people. पर लोगों में विश्वास रखते हैं. Trust in people. लोगों में भरोसा करते हैं. Running after money. और पैसों के पीछे भागते हैं. And they looking for good and well and healthy and fame and popularity. अब वो सोचते हैं कि हम पॉपुलर कैसे बने, लोग हमारी वाह-वाह कैसे करें. And they want to become rich. और वो अमीर होना चाहते हैं. They want to become famous in the world. और वो दुनिया के अंदर अमीर होना चाहते हैं, वाह-वाह करवाना चाहते हैं. This is the people that who are, you know, the seed. ये वो लोग हैं जो बीज झाड़ियों में गिरते हैं. Amen. Amen. We should not that kind of people. तो हमें उन लोगों की तरह नहीं बनना है. And the last third point. अब जो चौथे तरह के लोग हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. In the Matthew chapter 13 verse 8 में किसे लोगे रहा कि आखिरी जो चौथी तरह का बीज था वो कहाँ गिरा. पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना. Amen. आंसर दिया रहा है 13 में 9. अब इसका आगे पढ़. आंसर आंसर 13 का 23. अब पर इसका इसका मतलब क्या है? जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, 60 गुना और कोई 30 गुना. Amen. And then also turn to फिर अच्छी भूमि में वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं. आमीन. मार्क 4:20 श्रोता पढ़ना जोर से. और जो अच्छी भूमि में बोए गए वे ये हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना. आमीन. So now the Bible say in the Matthew chapter 13 verse 8 say that some seed fell into the good soil. तो मतलब कुछ बीज जो अच्छे भूमि पे गिरे हैं. And when the good soil they receive it, they fall into that. और जब वो बीज अच्छी मिट्टी में गिरे तब that tree grow. तो वो पेड़ उगेगा. And then growing every day. और हर रोज बढ़ेगा. He got everything from the soil. और उसको जो मिट्टी में से जो भी चाहिए वो उसको मिल रहा है. See when the tree grow, apple tree, banana tree, जो पेड़ या केले का पौधा होता है वो बढ़ता जाता है. कहाँ से बढ़ते हैं? कैसे बढ़ता है? इसे हवा में नहीं बढ़ता, अंदर से बढ़ता है. जड़ों में से उसको सब कुछ मिलता है शुरुआत में. So under the earth they get the water, fertile soil, there so they growing. तो धरती के मतलब मिट्टी में उनको पानी मिलता है, सारा पोषण मिलता है, सब कुछ, उससे वो पौधा बढ़ता है. So now the seeds fall into the good soil. तो जब वो अच्छी मिट्टी में गिरे बीज, they are growing because inside the soil mud, पानी, सारी चीज उनका जरूरी था, मिलता था, इसके लिए ग्रोथ बढ़ता था. इसका मतलब उस मिट्टी के अंदर सब कुछ जो चाहिए था पौधे को बढ़ने के लिए वो सब कुछ था. But the seed fall into the stone, they cannot get it because it's stone. लेकिन एक बीज पत्थर पे गिरा, पत्थर के अंदर उसको पोषण कहाँ से मिलेगा, इसको बढ़ ही नहीं पाता. Because of they cannot get the soil, they cannot get the water, because पानी भी नहीं मिलता, पत्थर में पानी भी नहीं आता, तो उसको बढ़ ही नहीं पाता. And the seed fall into the thorn, cannot grow because somebody is the stalk, it cannot able to grow. जो भी झाड़ियों में भी गिरा है, वो बढ़ना तो चाहता है, लेकिन झाड़ियों पे दबा देती है, वो बढ़ नहीं पाता. And the seed fall into the roadside, they see the birds see and come and snack away. और पहले वाले जो पढ़ा था कि बीज गिरा है, लेकिन मार्ग के किनारे में गिर गया और पक्षी ने उसे खा लिया. Because they see the seed. क्योंकि पक्षियों ने देख लिया बीज पड़ा हुआ. इज वेरी क्लीन. रोड कितनी साफ होती है. सो व्हेन दे फॉल डाउन, जैसे वो बीज गिरा, एज सून एज बर्ड्स सी एंड कम, जैसे बर्ड ने देखा पक्षी आया, पक्षी ने खाया. बट द सीड फॉल इनटू द गुड सोइल, लेकिन जो अच्छे मिट्टी में बीज गिरा, दे कैन नॉट सी, वो देख ही नहीं पाया. बिकॉज़ द सोइल कवरिंग, जैसे ही बीज गिरा तो मिट्टी ने उसको दबा लिया, पक्षी उसको देख ही नहीं पाया. एंड देन दैट सीड एवरी डे ग्रोइंग, और हर रोज धीरे-धीरे वो जड़ें पकड़ रहा है. ऑल द इनसाइड अंदर दी आर बेडेड, दे आर दे गॉट एवरीथिंग, क्योंकि उस बीज को मिट्टी के अंदर जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाता है. And then now they are falling into the good soil. Satan cannot attack.
inside. और अब वो जो बीज मिट्टी के अंदर है, इसलिए शैतान आप उसे निकाल नहीं सकता क्योंकि उसे दिख ही नहीं रहा, वो मिट्टी के अंदर दब चुका है. So in that inside that person is growing. इसका मतलब अंदर से वो अभी पौधा ऊपर नहीं आया, लेकिन अंदर से वो बीज बढ़ रहा है, मतलब इंसान बाहर, you know, every day growing up, up, up. मतलब वो इंसान परमेश्वर के वचन में जड़े भी पकड़ रहा है, बाहर भी उसका फल दिखने लग जाते हैं. So that is the thing that God is telling that the person who received the word of God now not outside, inside. इसका मतलब जो इंसान परमेश्वर बढ़ता है बाहर से तो दिखता ही है, लेकिन अंदर से पहले वो बढ़ता है. So that person will be day by day growing in the Lord. इसका मतलब वो इंसान धीरे धीरे हर रोज परमेश्वर में बढ़ रहा है. So this man say the Bible say that falling into the good soil, the fruit will bring out 100-fold, 60-fold, 30-fold. तो बता रहा है और जब वो पौधा जो अच्छी मिट्टी में गिरा है वो बढ़ता है, वो कैसे फल लाता है, 100 गुना 60 गुना और 30 गुना. So now that is God talk about the people who receive the word of God. इसका मतलब वो लोग जो परमेश्वर का वचन खाते हैं, they will and then they are rooted in their life. और उनके जीवन की जड़ें परमेश्वर के वचन में पक्की हो चुकी होंगी. How much difficulties in their life? जिस पौधे की जड़ें पक्की हो चुकी होंगी, कितनी मुश्किलें आएगी, कितनी हवा चलेगी, how much struggle in their life? कितना ही पानी बरसेगा, sickness will come, बीमारियां आएंगी, difficulties will come, परेशानियां आएंगी, financial problem will come, पैसे की कमी भी आएगी, marriage issue will come, शादी की परेशानी Those days there is no gun, you know. उस समय बंदूकें नहीं होती थी. But there is a spear.
पर भाला होता था। So Saint Thomas was killed by people by spearing. और थॉमस को जो चेला था यीशु मसीह को उसके अंदर चक्कू मार दिया गया। So when they are not afraid to die, और फिर भी उसने मरने से डर क्यों नहीं लगा? Because they are not afraid of this body, but their life is, you know, saved in the Lord. वो कहता पता है मेरे शरीर को तो मार दो लेकिन मेरी आत्मा तो प्रभु की है। Because people cannot destroy the spirit of God. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा को इंसान नहीं मार सकता चक्कू से या बंदूक से। People can kill your flesh. लोग आपकी देह को तो मार सकते हैं जला सकते हैं। They cannot kill your spirit. पर आपकी आत्मा को कैसे जलाएंगे? They cannot kill your faith. वो आपके विश्वास को भी नहीं तोड़ सकते। This body is whether people kill or not. One day you will die and go to mark. कोई इंसान को बंदूक से मारे या ना मारे, जलाए या ना मारे, एक दिन तो शरीर में खत्म होना ही होना है। But God wants to save our soul. लेकिन परमेश्वर कहते हैं अपने शरीर से मतलब नहीं, तुम्हारी आत्मा को बचाना है मुझे। But when we are living alive, लेकिन जब जिंदा रहते हैं, we need to believe. हमें विश्वास करना जरूरी है। And now our body inside spirit is here. तो हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा भी है। So that time we need to accept Jesus. और जब वो आत्मा शरीर के अंदर है, उस समय हमें यीशु को अपनाना है। When you die, there is no chance to believe Jesus. मरने के बाद सिर्फ आत्मा रह जाएगी, शरीर नहीं होगा, तब विश्वास भी नहीं हो पाएगा। So now you are believing, now you are strong, now you are young, now you are parent, now this is the time of salvation. This is the time we need to believe Jesus. तो यहाँ पर कोई माताएं हैं, बच्चे हैं, इस समय है कि अब आप यीशु मसीह को अपनाएं और यीशु के लिए काम करें। And we need to save our soul. और हमें अपनी आत्मा को बचाना है इस टाइम। And now the word of God is showing that Jesus is telling to the disciples. जैसे यीशु मसीह ने चेलों को ये कहानी सुनाई। So the seed fall into the soil, bringing 300, you know, 100-fold, 60-fold, bringing fruit. और वो बीज जो अच्छी मिट्टी में गिरे हैं, वो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाए। So God is talking about this chapter, the kingdom of God. तो यहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य की बात कर रहे हैं। And God is talking about the people, they know, 4 type of people. तो यहाँ पर चार तरह के लोगों की बात हो रही है। Gospel, the gospel. परमेश्वर ने सुसमाचार सबको फेंक के सबको दिया। Now see everywhere Jesus, they are talking about Jesus. अब आप ये देखिए दुनिया में कितनी सारी जगह पे यीशु मसीह की बात होती है। Everyone know who is Jesus. हर किसी को पता है कि यीशु मसीह नाम को कोई था। हिंदू और मुस्लिम। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो कोई भी हो। They hear Jesus. यीशु का नाम तो सबने ही सुन लिया। But they are not believe. पर किसी ने विश्वास किया किसी ने नहीं किया। People who are still falling to the roadside. तो इसका मतलब जिन लोगों ने यीशु के नाम को सुना और विश्वास नहीं किया मतलब ये वो बीज है जो मार्ग के किनारे गिर गए। They hear Jesus and यीशु ने सुना शैतान ने बाहर के बाहर उठा लिया कोई फल ही नहीं लाया कोई second people, अब दूसरी तरह के लोग they hear the word of God. जिन लोगों ने परमेश्वर का वचन तो लिया excited, oh, प्रभु ने महान कर दिया मेरा है ना पार्टनर सुन लिया मेरे को संगाई दिया तो बाद में backslide हो गया बाद में पूजा करना शुरू कर दिया बाद में चर्च आना बंद कर दिया बाद में पढ़ना करना बंद कर दिया बाद में बाइबल पढ़ना का बंद कर दिया इससे वाला लोग है the seed falling to the thorn the stone. तो मतलब कि वो लोग जो बताया गया कि बीज जो पत्थर पथरीली भूमि में गिरे किसकी जड़ें मजबूत नहीं हुई थोड़े जाने तो बड़े अच्छे अच्छे हरे 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 निकले और फिर खत्म हो गए मतलब कि वो लोग जिन्हें परमेश्वर को अपनाया चंगाई देखी प्रार्थना भी करी अरे परमेश्वर बहुत महान है और धीरे 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 जब दुनिया ने परेशान किया है परिवार ने या दोस्तों ने मजाक उड़ाया तो उन्होंने चर्च जाना बंद कर दिया बाइबल पढ़ना बंद कर दिया और जैसे पहले पूजा पाठ करते थे वो करना शुरू कर दिया इसका मतलब जब परेशानियां मुश्किलें बीमारियां आई तो उन्होंने कहा कि नहीं हम जो पहले करते थे हम वही दोबारा करेंगे एंड द थर्ड पीपल और तीसरी तरह के लोग हु आर फॉलिंग टू द थॉर्न जो झाड़ियों में गिरे बीज दे रिसीव इट वचन पाया दे कैन नॉट ग्रो अप लेकिन बढ़ नहीं पाए वचन तो पा लिया दे डोंट वांट टू डिनाई गॉड दे दे देम सेल्फ दे डोंट वांट टू डिनाई सीन दे डोंट वांट टू दे वांट टू एंजॉय लाइफ मतलब ऐसे लोग जो परमेश्वर का वचन तो पा रहे लेकिन अपनी गंदी जिंदगी नहीं छोड़ना चाहते दे वांट टू रिपेंट वो पश्चाताप नहीं करना चाहते पर प्रभु को लेना चाहते दे वांट टू ड्रिंक दे वांट टू डू वर वर्शिप आइडल दे वांट टू डू फ्लैश डिजायर सेक्सुअल इमोरलिटी एडल्ट्री किलिंग मर्डर स्टीलिंग दे डोंट वांट टू गो आउट ऑफ दैट दे वांट टू एंजॉय दैट लाइफ ये वो लोग हैं जो परमेश्वर में आते हैं चर्च भी आते हैं बाइबल भी पढ़ते हैं लेकिन व्यभिचार भी करते हैं शराब भी पीते हैं लड़के लड़कियां भी घुमाते हैं मतलब परमेश्वर में पढ़ नहीं पाते क्योंकि जड़ें ही नहीं हो पाती उनकी सो दिस इज द पीपल हु फॉल द सीड इन द थॉर्न इसका मतलब वो लोग झाड़ी में तो अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं वांट टू एंजॉय लाइफ वो कहते हैं चर्च तो आ लेकिन अपनी लाइफ अपने हिसाब से भी जीते रहो हां प्रभु का भी विश्वास करते हैं लेकिन दुनिया का हिसाब इस रहते हैं तो इससे वाला लोग है दैट इज द पीपल दो झाड़ियों में जो बीज गिरे बट द लास्ट पीपल और आखिरी तरह के लोग
The people was falling into the good soil. वो बीज जो अच्छी भूमि में गिरे. They received God. उन्होंने परमेश्वर को पाया. They believed that Jesus. विश्वास किया कि यीशु मसीह परमेश्वर है. Yes, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा गुरु है, मेरा टीचर है, मेरा मम्मी है, मेरा पापा है, मेरा हस्बैंड है. So the person who accept Jesus Christ, not only believe, accepted. मतलब कि जिसने इंसान सिर्फ यीशु में विश्वास नहीं किया लेकिन यीशु को अपना लिया. They're not only that, okay, Jesus is one kind of God, but they believe, they accept that Jesus is my God, I will die for him, I will live for him, no matter what. तो वो ऐसा इंसान है कि हाँ ये बाकी भगवानों में यीशु मसीह भी भगवान, उसने कहा ऐसा नहीं, कहूंगा नहीं, यीशु मसीह ही भगवान है, वही परमेश्वर है, उसी में मेरा विश्वास रहेगा, मैं कभी हटूंगा नहीं. And the person who accepted that he died on the cross, who lived for me, he gives salvation, and I am the child of God, and the way the temptation come, persecution come, trial come, so many issues will come in this world, but the person never leave Jesus, hold on to Jesus, no matter what, in the times of difficult, this is the seed that fall into the good soil. तो जो बीज अच्छी भूमि में गिरे हैं, मतलब कि जीवन की चिंताएं, परेशानियां, और अलग-अलग गलत चीजें भी उसके जीवन में आए, बीमारियां आए, मुश्किलें, लेकिन वो इंसान जिसका पेड़ गिरा नहीं, मतलब वो जो बीज जो अच्छी भूमि में गिरा, उसका विश्वास परमेश्वर ने गिला नहीं. So the way the temptation comes, storm comes, wind comes, so many time to time, cyclone will come, time to fall down, they come, but that person will never fall because he was rooted inside the deep down in the soil. तो जैसे मतलब किसी पेड़ के पास हवा भी आती है, बारिश आती है, कभी जोर की तूफान भी आता है, कभी इतनी जोर की हवा चलती है कि पेड़ ही गिरने वाला होता है, गिरने वाला, पर वो गिरता नहीं. ऐसे ही इंसान के जीवन में जब अलग अलग तरह की छोटी परेशानी, बड़ी परेशानी, छोटी मुश्किल, बड़ी मुश्किल, किसी मुश्किल में भी, क्योंकि उसकी जड़ यीशु मसीह में है, वो टूटती नहीं. So we should be that kind of person. तो हमें ऐसे ही अच्छी भूमि की जैसा अच्छी मिट्टी बनना है. We should not be a person who fall into the roadside, not fall into the stone, not fall into the thorn. तो हमें झाड़ी नहीं बनना है, पथरीली भूमि नहीं बनना है, रोड के साइड का वो एरिया भी नहीं बनना है, हमें अच्छी मिट्टी बनना है. There's a God saying, if you want to become a Christian, be hot, don't be a lukewarm Christian. तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब तुम मुझ में आओ, मसीह में विश्वास करो, तो मतलब परमेश्वर के लिए काम करो, परमेश्वर की आग रखो अपने अंदर, ऐसे ठंडे ठंडे मसीह मत बनो. बाइबल बताता है ना, गुनगुना, गुनगुने, गुनगुने क्रिश्चियन मत बन, यू नो, गुनगुने क्रिश्चियन मतलब कौन है? द पीपल हु आर फॉलिंग टू द रॉक साइड, द पीपल आर फॉलिंग टू द स्टोन, द पीपल आर फॉलिंग टू द थॉर्न. तो परमेश्वर कहता है गुनगुने मसीह मत बनो, मतलब ना ठंडे ना गर्म, कभी चर्च भी आ गए, कभी डिस्को भी चले गए, कभी परमेश्वर का भजन सुन लिए, कभी गाने भी सुन लिए, दोनों तरह के मसीह, ऐसे ठंडे ठंडे मसीह मत बनो. But God said that fall into the good soil, that kind of Christian we should be. लेकिन हमें ऐसा मसीह बनना है जो अच्छी मिट्टी वाला मसीह है, जिसमें बीज जब पड़े तो वो फल लाता रहे, लाता रहे. No matter what, every season, चाहे मुश्किलें आए, परेशानियां, sixtyfold, चाहे कैसा भी सीजन हो, लेकिन हमेशा फल लाता रहे. And then growing deeper, और बढ़ता रहे. Faith in faith. और उसकी जड़ें मजबूत और होती जाए. No matter what. और उसका विश्वास ही पक्का. Sickness will never, you know. जब बीमारी भी अपने जीवन में तो आपके विश्वास को ना हिला पाए. Society will never. जब समाज वाले आपको मजाक उड़ाए तो आपको मजाक से फर्कना पड़े. Parents will never, you know, took away your faith. जब मम्मी पापा आपको डांटे तो उससे भी आपका यीशु मसीह विश्वास ना हिला. But you will say that Jesus is my. पर आप बोलो नहीं, यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर. He is my God. मेरा विश्वास उसमें ही रहेगा. He is my pillar. वो ही मेरा जीवन का pillar है, स्तंभ है. He is my sword. वो ही मेरे जीवन का स्रोत है. सारी चीज इससे बोला है, the person who fall into the good soil. इसका मतलब वो जो अच्छी भूमि, अच्छी मिट्टी हमें बनना है. आमेन, आमेन. So you decide what kind of Christian life. तो हमने चार तरह का मसीह जीवन बताया, तो आज आप ये देखें कि आप किस तरह के मसीह हैं. आप लोग किस तरह ग्रुप में हैं अभी? रोसाई का ग्रुप है, थॉर्न का ग्रुप है, स्टोन का ग्रुप है, और गुच्छा का ग्रुप है. You know who you are. तो आपको पता है कि आप किस हिस्से में हैं.